कॉलर हैं हरीश जी हमारे साथ, स्वागत है आपका। कहाँ से बात कर रहे हैं? हेलो हेलो। हेलो, हाँ जी हरीश जी, कहाँ से बात कर रहे हैं? दिल्ली से। आपका सवाल? शुगर है मेरे को। कब से? काफी दिन हो, काफी साल हो गए। ठीक है, आपकी एज क्या है? 68। देखिए शुगर वाले समझ लें कि डायबिटीज़ का मुकम्मल इलाज कहीं नहीं है। एक दवा आप खाते हैं, लेकिन वो बहुत अच्छी दवा है जो आप खाते हैं। सभी लोग एलोपैथिक दवा लेते हैं ज़्यादातर, लेकिन जहाँ कोई चीज़ में अच्छाई होती है वहाँ कहीं ना कहीं ये परेशानी भी होती है कि अगर वो केमिकल से पाक नहीं है तो हमें नुकसान देने लगती है। शुगर का रेशो बढ़ता जाता है, दवा का रेशो बढ़ता जाता है और हमारी ज़िंदगी नुकसान में आ जाती है। एक दवा ऐसी है जहाँ हम जो आप दवा लेते हैं उसके साथ ले सकते हैं, जैतून का सिरका 3-3 चम्मच सुबह शाम, नाश्ते के बाद और रात को खाने के बाद, या दोपहर खाने के बाद या रात को और रात को खाने के बाद पानी में ही मिला कर लें। एक गिलास पानी में छोटे टी स्पून चाय के चम्मच जिन्हें कहते हैं लिया करें, आपकी शुगर स्थिर रहेगी। आप तमाम ज़िंदगी एक ऐसी ज़िंदगी गुजार सकते हैं जो जैसे नॉन डायबिटिक गुजारता है। शुभम जी जुड़ गए हैं, स्वागत है आपका। जी हेलो। हाँ जी बोलिए शुभम। हाँ मैम, ये मुझे बात करी है, बाबा जी हैं हमारे। हमको जो है वो शुगर बीपी दोनों है और हाथों पैरों में नसें जो है थोड़ा सुन्नपन रहता है। ठीक है ठीक है। एज बता दीजिए। और ये एज हमारी 75 पार बहुत पूरा हो चुकी है, 76 चल रही। देखिए बुजुर्ग हैं आप हमारे और बहुत सम्माननीय हैं, खूब अपना ख्याल रखें। और इन दोनों रोगों के लिए एक दवा है लेकिन काम दो करती है, बल्कि काम तो बहुत सारे करती है लेकिन मेन जो दो काम दो रोग हैं उनके लिए बड़ा अच्छा काम करती है। जीवन भर लें मैं तो कहूँगा। जैतून का सिरका आता है 3 चम्मच रात के समय पानी में मिला के लिया करें, और बहुत ज़्यादा शुगर बीपी है तो सुबह को भी ले सकते हैं आप, दोपहर को ले सकते हैं एक खुराक, और 3 छोटे चाय के चम्मच पानी में मिला के रोज़ लिया करें। अगर आप पैदल चल सकते हैं तो धूप में कुछ देर पैदल चला करें, वैसे तो 1 घंटा चलना चाहिए। अगर नहीं चल सकते तो धूप में बैठ जाया करें और ये जीवन भर नुस्खा लें, आप सेहतमंद जिंदगी गुजार सकते हैं। अगले कॉलर गाजियाबाद से हैं, मधु शर्मा, स्वागत है आपका। हाँ जी हाँ जी बताइए। मेरे को ना 1-1.5 महीने से मतलब पीछे कंधे में दर्द है और हाथ में दर्द है काफी। एज क्या है आपकी? मेरी 36। बेटा मधु, आपको बहुत घर की जिम्मेदारी है क्या, सच बताइए। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अच्छा, जो आपके हाथ में और कंधे में दर्द है उस हाथ से जोर वाला काम ना करें, वजन वाला काम या मुश्किल वाला काम बिल्कुल नहीं करें, और हो सके तो किसी 2-3 महीने के लिए ये जिम्मेदारी जो भारी काम की है वो किसी और को दे दें, अगर जल्दी से ठीक होना चाहते हैं। और सबकी अपनी अपनी मजबूरियाँ होती हैं, मैं समझता हूँ, एक ख़ानदान में एक बहू का क्या कर्तव्य है वो निभाते निभाते आप खुद रोगी मत बनिए, कुछ दिन कोई और जिम्मेदारी संभाल ले। आपके परिवार से मेरा निवेदन है कि इनको काफ़ी तकलीफ़ है, और या तो आप देखिए गौंद स्याह लीजिए आधा आधा ग्राम सुबह शाम, ये काला गौंद मुश्किल से मिलता है, नकली मिलता है, असली मिल जाए तो आधा आधा ग्राम सुबह शाम नाश्ते और खाने के पश्चात दूध से लें आप, ठीक है। और उस हाथ से ज़्यादा काम नहीं करें जिस मोंढे में कंधे में दर्द है, ठीक है। और ये नहीं मिले, ये नकली मत ले लेना, बहुत नकली मिलता है, असली लेना है, कड़वा होता है जायके में। और ये नहीं मिले तो कैप्सूल टी केयर सुबह शाम एक एक कैप्सूल खाएं, और इस उम्र में इतना दर्द नहीं होता बगैर बहुत बड़ी जिम्मेदारी के, जिम्मेदारी थोड़ी कम हो जाए तो आप बहुत जल्दी फायदे में आ सकती हैं। बिहार से अगले कॉलर हैं अंकित हमारे साथ, स्वागत है अंकित जी। हाँ जी
हेलो जी। हेलो, मैं बिहार से बोल रहा हूँ। मेरा उम्र 19 साल है और बचपन से ही मुझे हाइपरहाइड्रोसिस का प्रॉब्लम है। काफी ज्यादा हाथ और तलवे से पसीना निकलता है। तो प्लीज इसका सॉल्यूशन बताएं। 19 साल एज है। हाँ देखिए, बड़ा अच्छा नुस्खा है अगर आप इस्तेमाल कर सकें और मेरी बात समझ लें, बल्कि लिख लें तो बहुत अच्छा है। जैतून का नमक आता है जिसे एस्टेक जैतून भी कहते हैं, रसायन जैतून भी कह सकते हैं हिंदी में। ये एक या दो चुटकी एक गिलास पानी में डाल के सुबह लिया करें, और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो शाम को भी ले सकते हैं। जैसा आप आसान समझें, एक किसी को एक ही चुटकी फ़ायदा करती है एक बार में, किसी को दो चुटकी फ़ायदा करती है। अगर आपका जैसा आप या अपनी दवा को कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। मैं दो दो चुटकी बताता हूँ, आप एक एक चुटकी लेना शुरू करें और आपको फ़ायदा मुमकिन है। नेक्स्ट कॉलर शिवराम शर्मा जी, स्वागत है आपका। नमस्कार सर जी। जय हिंद। हेलो जी, आदाब सर जी। मेरे को ना घुटने में दर्द है सर। एज है मेरी 70 सर। कब से दिक्कत है ये? कोई 2 साल से है सर। ठीक है। हाँ देखिए, आसान इलाज है, बात समझने की है। आप समझ लें और लिख लें। आप लिख नहीं सकते तो किसी बच्चे से लिखवा लें। गौंद सिया आता है, काला गौंद के नाम से, और असली लेना है, नकली का बड़ा बाजार गर्म है। असली लें, 100 ग्राम भी मिल गया तो आपका काम हो गया समझ लीजिए। आधा ग्राम सुबह आधा ग्राम शाम, बगैर चर्बी के दूध से लिया करें या पानी से लिया करें। शुगर नहीं है तो जूस से भी ले सकते हैं, रईस आदमी हैं तो जूस से भी ले सकते हैं। और ये असली लेना है, नकली ना ले लें, कड़वा होता है जायके में। और असली ना मिले तो फिर कैप्सूल टी केयर ले सकते हैं, सुबह शाम खाने के बाद आपको फायदा होना मुमकिन है। अगली कॉलर है वंदना जी, स्वागत है आपका। हेलो। हाँ जी बताइए। वो शुगर की दवाई खा रही हूँ ना, एलोपैथिक, तो इसका कोई असर मतलब कहने का तो नहीं, साइड इफेक्ट बहुत होता है, तो इसलिए पूछना चाहती हूँ मैम। शुगर कब से है आपको? शुगर मुझे हो गया 8 साल। और आपकी एज क्या है? एज मेरी है 64। तो थोड़ा थोड़ा ना पीठ वीट दर्द होती है थोड़ी थोड़ी। पीठ में ना ज्यादा, इसलिए कि ये लॉकडाउन में वो काम वाम हो गया ना ज्यादा घर का, क्योंकि नेट को नहीं आने दे रहे थे हम। जी जी वंदना जी, भगवान आपकी सुरक्षा करे, और उन लोगों की खास तौर पर जिनको डायबिटीज है, और खूब अपना ख्याल रखा करिए। लॉकडाउन में सबको प्रॉब्लम आई, तो देखिए एक जो दवा खाते हैं आप शुगर की, वो खाते रहें। और ये एक जो मैं बताता हूँ आपको, जैतून का सिरका, ये 3 चम्मच रात में पानी में मिलाकर ले लिया करें, छोटे चाय के चम्मच, आपका जीवन आसान होगा। शुगर का रोग मुस्तकिल ख़त्म नहीं होता, इसकी दवा जीवन भर खानी पड़ती है, लेकिन ये शुगर की दवा से होने वाले नुकसानात को रोकता है, पेट को ठीक रखता है, लीवर को ठीक रखता है। शुगर का हमला आँखों पर नहीं होने देता, लीवर पर, दिल पर, ये 3 जगह शुगर हमला करती है। आप ये 3 चम्मच दिन में एक बार या 2 बार पी सकते हैं, पानी में मिलाकर खाने के पश्चात लेना इसका चाहिए, आप स्वस्थ जीवन गुजार सकते हैं। नेक्स्ट कॉलर शिवानी जी, स्वागत है आपका। हेलो। हाँ जी। हम शिवानी गुप्ता की मम्मी बोल रहे हैं। सिमरिया को मैं परेशानी ही रहती है, उसको मतलब पेट नहीं साफ होता है और पूरा मतलब शरीर गर्म रहता है, और जब भी लेट भूख भी नहीं लगती है। 2 दिन तक पेट नहीं साफ होता है, जब साफ होता है मतलब दिन में 3-4 बार लेट दिन जाती है। शिवानी की एज बताएंगे बच्ची की? 19 साल। अच्छा, 19 साल। ठीक है ठीक है। अच्छा आप मेरी बात गौर से सुने, अगर शिवानी मौजूद हैं तो वो लिख लें, एक आसान नुस्खा है। इतनी कम उम्र में इतनी परेशानियां नहीं होनी चाहिए, अभी तो इसकी शादी करनी भी बाकी है। तो क्या हम रोगी
बच्ची की शादी तो कर नहीं सकते। तो आप नुस्खा लिखिए जल्दी से। देखिए सौंफ, सौंफ आप समझती हैं, सौंफ 200 ग्राम, मेथी 200 ग्राम, आंवला 200 ग्राम। फिर से कहता हूँ, सौंफ 200 ग्राम, मेथी 200 ग्राम, आंवला 200 ग्राम, और इसमें 100 ग्राम नमक जैतून, एक रसायन जो नमक जैतून के नाम से हम खरीद सकते हैं, या रसायन जैतून के नाम से, या इंग्लिश में इसे एस्टेक जैतून कहते हैं। 100 ग्राम इसमें मिलाकर घर में पाउडर बनाना है, बाहर से पिसा पसाया बिल्कुल ना लाएं, और एक एक चम्मच सुबह शाम पानी के साथ दें, और 5 बार गर्म पानी पिलाया करें इस बच्ची को। बहुत जल्द ठीक होना मुमकिन है। फिर भी ये सारा मटेरियल जो मैंने आपको बताया, ख़त्म होने तक खिलाएं, चाहे उनको जल्दी फ़ायदा हो जाता है, बेशतर लोगों को अगर जल्दी फ़ायदा हो जाए तो लगातार खिलाते रहें ताकि इस रोग का नाश हो सके। नेक्स्ट कॉलर हैं चेतन जी, स्वागत है आपका, जी सर। बताइए, प्रश्न करिए अपना। प्रश्न है, मेरे पुत्र है, 15 वर्ष का है, सर वो एक दुबला पतला है, और सर इसकी हाइट भी थोड़ी कम है, ठीक है, और एक एक प्रश्न हो रहा है सर, जी जी बताइए। कहने पत्नी है उसके, क्या दाद हो रहे हैं, उसका भी इलाज चाहिए। ठीक। देखिए आपके बच्चे के लिए जो 15 साल का है, एक नुस्खा है बड़ा अच्छा, अगर आप इस्तेमाल करें, रोज़ाना एक नारियल पानी खरीदें, उसका पानी गिलास में निकालें, और एक आता है गौंद मोरिंगा सफ़ेद, ये सफ़ेद वाला ही लेना है जो बच्चे को फ़ायदा करना है जिसको। गौंद मोरिंगा सफ़ेद ये रॉ मटेरियल मिलता है, आधा ग्राम रोज़ाना एक नारियल पानी मिलाकर उसको पिलाया करें। बच्चे की लंबाई, बच्चे की ग्रोथ, बच्चे का दिमाग, बच्चे के बाल, बच्चे की आंखें, बच्चे की सेहत के लिए काफ़ी मुफीद है। दिन में एक बार पिलाया करें और इसको फ़ायदा मुमकिन है। आपकी पत्नी को क्या मर्ज था? दाद दाद। जी नमक जैतून आता है, नमक जैतून 100 ग्राम खरीद लें, एक दो चुटकी रोज़ाना पानी में मिलाकर पिलाया करें। ये रसायन है, जैतून का रसायन, पानी में मिलाकर पिलाया करें, आपकी पत्नी को भी फायदा होना मुमकिन है। अगले कॉलर हैं इंदौर से, अंकिता जी हमारे साथ, स्वागत है आपका, बोलिए। मेरा हस्बैंड ड्रिंक करते हैं, उसके लिए कुछ उपाय? और देखिए बहुत सारे एडवर्टाइज आते हैं कि चुपके से पिला दो, खामोशी से खिला दो, दवा छूट जाती है, और ये शराब छूट जाती है, लेकिन ये सच नहीं है। जब तक वो अपना इरादा मजबूत नहीं करेंगे, जब तक छूटना नामुमकिन है। और या फिर जब तक गैरतमंद नहीं होता आदमी, उसमें गैरत आ जाए, किसी की माँ की बात मान ले, या पत्नी की बात मान ले, या जो भी घर में बड़ा रिश्ता है उससे लज्जा करें और मान लें, बगैर हौसला किए शराब छूटना बहुत मुश्किल है। और उन्हें अपनी फैमिली के बड़ों से समझाइए, और बच्चों का वास्ता दीजिए, भगवान का वास्ता दीजिए। एक तरीका है ऐसा कि आप, अगर उन्हें नशा छोड़ना भी ना पड़े और छूट भी जाए, जैतून का सिरका 3-4 चम्मच एक गिलास में मिला के और उसमें पानी डाल दें, ये देखने में शराब जैसा लगता है। अच्छा, इसमें वो नशा नहीं होता जो शराबी को चाहिए, लेकिन वो नशा होता है जिससे सुकून होता है। आदमी को इतना सुकून होता है कि वो आराम की नींद सो जाता है, बहकी बहकी बातें नहीं करता, इसमें बहकने का पदार्थ नहीं है। तो और वैसे ही उन्हें रोज़ पिलाया करिए जैतून का सिरका, चखना रख दीजिए उनके सामने, जैसे चना पने ये नमकीन चीज़ें रखते हैं, वो पीते रहें, खाते रहें, कितना भी पी लें उनको नुकसान नहीं होगा, सुकून मिलेगा। अगर वो इस बात पर राज़ी हो जाएं तो उनकी शराब छूट सकती है।